घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। विलेनियस कॉमिक या टिपिकल हीरो कौन से हैं नसरुद्दीन शाह के बेस्ट रोल्स? क्या नसरुद्दीन शाह का हो सकता है कैमियो? कौन प्ले करेगा त्रिदेव में द कैद का किरदार? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त ओशी आपका स्वागत करती हूं आपके ही पसंदीदा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस वर्सेटाइल एक्टर के बारे में जिन्हें पद्मश्री से ऑनर किया गया है और जिन्होंने आइकॉनिक विलन से लेकर कॉम्प्लिकेटेड रोल्स प्ले किए करके सबको इंस्पायर किया है। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि कौन सा एक्टर कर सकता है त्रिदेव 2 में द कैटी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 5 दशकों से फिल्म इंडस्ट्री के ऑन स्क्रीन आइकॉनिक रहे नसरुद्दीन शाह ने हर जनरेशन के एक्टर्स को इंस्पायर किया है। कॉमर्शियल फिल्मों से ज़्यादा वो अल्टरनेट और रियलिस्टिक या आर्ट सिनेमा में ज़्यादा पॉपुलर और हिट रहे हैं। त्रिदेव उनकी पहली कॉमर्शियल हिट थी, उससे पहले वो स्टेज आर्टिस्ट थे। नसरुद्दीन शाह को उनके इंडियन सिनेमा में किए गए काम के लिए इंडिया के 2 प्रेस्टीजियस अवार्ड्स पद्मश्री और पद्म भूषण मिले हैं, जो किसी भी आर्टिस्ट के लिए बड़े ही ऑनर की बात होती है। साथ ही उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर से भी नवाजा गया है। अगर हम उनके किरदारों की बात करें तो उन्हें हमेशा ही कंटेंट ड्रिवन फिल्मों में काम किया है। 90s के वो बेस्ट विलन थे। मोहरा, चाइना गेट, चाहत और सरफरोश जैसे फिल्मों में डकैत, ड्रग लॉर्ड जैसे किरदार प्ले किए हैं। उसके अलावा वो इश्कियाँ, फाइंडिंग फेनी, जाने तू या जाने ना, वेलकम बैक और चमत्कार जैसी फिल्मों में हमें हंसाते हुए भी नजर आए थे। और ए वेनसडे, द डर्टी पिक्चर, ओके जानू, मैं हूँ ना, क्रेश, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और गहराइयां जैसी फिल्मों में यूनिक किरदार भी प्ले किए हैं। बॉलीवुड में हमेशा ही बिग बजट फिल्मों की बात होती है, लेकिन नसरुद्दीन शाह जैसे एक्टर्स आर्ट हाउस और रियलिस्टिक सिनेमा में अपने मेमोरेबल और चैलेंजिंग किरदारों से सबका दिल जीत ही जाते हैं। 71 इयर्स की एज होने के बाद भी वो किसी भी किरदार को प्ले कर सकते हैं, फिर चाहे वो एंटागोनिस्ट हो या सपोर्टिंग हो या लीडर का। त्रिदेव उनके करियर की अहम फिल्म थी और अब इस फिल्म के डायरेक्टर राजीव रॉय सलमान खान के साथ मिलकर फिल्म का रीमेक बनाने जा रहे हैं, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नसरुद्दीन शाह का इस रीमेक में स्पेशल अपीयरेंस या कैमियो तो हो ही सकता है, जो फिल्म में टर्निंग पॉइंट के जैसा होगा, या तो वो सपोर्टिव रोल के किरदार में भी नजर आ सकते हैं। उन्हें उनकी बेस्ट फिल्म के रीमेक में देखना उनके फैंस के लिए अच्छी खबर होगी और हमें एक बार फिर से उनकी बेस्ट एक्टिंग को देखने का मौका मिलेगा। त्रिदेव में उन्होंने एक डकैत का किरदार निभाया था और अब रीमेक में इस किरदार के लिए किस एक्टर को चूज किया जाता है, ये सोचने वाली बात है। उनका किरदार एक लोकल डॉन का था जिसे सबसे बड़े डाकू से बदला लेना था। ऐसे एंटी विलन टाइप किरदार की बात करें तो ऐसे किरदार के लिए अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, रणवीर सिंह या अजय देवगन जैसे एक्टर्स का नाम दिमाग में आता है, जो एक लोकल गुंडे का किरदार अच्छी तरह से प्ले कर सकते हैं। आपके हिसाब से त्रिदेव 2 में किसे डकैती करनी चाहिए, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए और ऐसे ही बॉलीवुड की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।